टाइप करेंगे, और जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल एडसेंस, यहाँ पर आपका एडसेंस आ जाता है। और यहाँ फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन करेंगे पहले हम। और यहाँ से हम इसे कर देंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। साइन इन के बाद हमारा गूगल एडसेंस ऑन हो रहा है, ये हो गया ऑन। और ये आप देख सकते हैं यहाँ, ज़रूर बताइएगा। और ये है आपका गूगल एडसेंस अकाउंट, यहाँ से आप अपनी सारी डिटेल ले सकते हैं, पेमेंट पे जाकर आप पेमेंट देख सकते हैं। जब ये आपका गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो एवर यहाँ आपको गूगल एडसेंस के बारे में कई सारी जानकारी मिल जाएगी, जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है उसमें ये एडसेंस पब्लिशर आईडी आपको नीचे मिल जाएगी देखने को। और यहाँ साइड में आप ऐड कर सकते हैं अपनी बैंक डिटेल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऐड बैंक डिटेल पर, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको बैंक नेम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, इसके नीचे आपको बैंक का नाम और यहाँ आपका नाम आ जाएगा। और ये है आईएफएससी कोड, जो आपके बैंक का आईएफएससी कोड है, आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपका स्विफ्ट कोड यहाँ पर आ जाता है। और ये है आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर री अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेट एस प्राइमरी पेमेंट पर मेथड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको सेव कर देंगे और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर सेव हो जाएगा। जब भी आपके $100 आपके एडसेंस अकाउंट में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट गूगल एडसेंस कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।